हरी प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल एक कुछ डार्क फोर्स की इन्फॉर्मेशन दुनिया में चल रही है। डार्क फोर्स है, इल्यूमिनाटी है, उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी है, उसके बाद बहुत सारी सीक्रेट मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये कितनी सच्चाई है और क्या इसका मैंने समाज पर असर होने वाला है, चाहे देश पर असर होने वाला है, और इस पर मानव समाज का क्या भविष्य होगा, इस पर कुछ प्रकाश डालें। स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से जो ये प्रश्न आया है, हालांकि ये प्रश्न जो है बड़ा गंभीर है, दुविधाजनक है, विरोधाभासी है, कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट है। सही बात तो यह है, मैंने भी यह सवाल पहली बार इनके मुंह से सुना है, जो दरभंगा से जो हठ योग साधक आए हुए हैं, इनके मुंह से मैंने पहली बार सुना। मैंने कहीं रीड भी नहीं किया, किसी से सुना भी नहीं, किसी को देखा भी नहीं। और कल ही किसी एक लड़के ने, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, उसने अपना एड्रेस नहीं दिया, उसने भी कुछ इसी तरह की बातें की। तो मैंने फिर उस पर थोड़ा अध्ययन किया, मनन किया, समीक्षा की, और उसी पर मैं आपको विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये जो डार्क फोर्स है, इल्तमिनाती जो ग्रुप है, संगठन है, सीक्रेट सोसाइटी है, जो कोई 16वीं और 17वीं सदी के आसपास में जर्मन में एक प्रोफेसर हुआ था, उसके मन में एक ऐसा कीड़ा आया, एक विचार आया कि क्यों ना तंत्र के बल पर, तांत्रिक साधना करके लोगों पर, समाज पर एक हुकूमत कायम किया जाए। उसने कुछ रहस्यमय जगत से संपर्क स्थापित किया, कुछ तांत्रिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में किया, और उनसे वो बहुत सारे लोगों के काम बनाने और बिगाड़ने में सक्षम होने लगा। जैसे किसी का दिमाग डाइवर्ट कर देना बैठे बैठे, जैसे किसी का आपस में झगड़ा करवा देना। ये 16वीं और 17वीं सदी के आसपास का ये प्रकरण है, घटनाक्रम है, ऐतिहासिक जानकारी। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे तांत्रिक हैं, हर गांव में ऐसे तांत्रिक और ओझा लोग मिल जाएंगे, जो बुखार उतारते हैं, बिच्छू का काटा वो उतारते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, भूत बाधा दूर करते हैं, पानी पिला करके, मंत्र और सरसों पढ़ करके, मार करके मुर्दे की खोपड़ियां लड़वा देते हैं। इस तरीके का तो ये गढ़ है इंडिया जो है, भारत, तंत्र मंत्र का, सफेदों का देश कहते थे अंग्रेज लोग इसे। आखिर उसके मन में जब उसके पास में थोड़ी सी एक सिद्धि आ गई, पढ़ा लिखा तो था ही, प्रोफेसर था, तो उसने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा सोचा क्यों ना इन राजाओं का दिमाग डाइवर्ट किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, और अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से राजकाज चलवाया जाए। मैं अपने तरीके से डेफिनेशन दे रहा हूँ, हो सकता है तुमने अलग ढंग से इसके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन मैं वो लैंग्वेज, उन वर्ड्स का प्रयोग करता हूँ जो कि एक रिक्शा चलाने वाला भी समझ जाए। इसीलिए मैं वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कम करता हूँ और लौकिक और क्षेत्रीय भाषा का, शब्दों का प्रयोग अधिक करता हूँ। वहां के राजा को जब यह पता चला कि ये ऊटपटांग काम करता है, तो उसने जिला बदर कर दिया, उसको राष्ट्र से बाहर कर दिया कि ताकि ये अपना ग्रुप ना बना सके, संगठन ना बना सके, क्योंकि उसने संगठन बनाया। और जब उनकी हरकतों के बारे में पता चला
कि यह राजसी परिवार के लोगों की महिलाओं को पुरुषों को ये तरह तरह के प्रलोभन दे करके कि जवान बनाए रखेंगे हम तंत्र मंत्र और औषधि के द्वारा, यह तो विपक्ष को प्रबल बना रहे हैं अपने तांत्रिक शक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तो उस राजा ने इनको बहिष्कृत कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, वहां से निकाल दिया, देश निकाला, बनिशमेंट। लेकिन वहां से निकलने के बावजूद वो जहां रहे प्रोफेसर, उन्होंने वहां से वर्किंग शुरू किया और जो उनके साथी वहां रह गए थे सीक्रेट सोसाइटी के, उन्होंने अपना काम जारी रखा सीक्रेट तरीके से। कहते तो ऐसा है कि ये संसार की सबसे गुप्त संस्था है, कितना सच है कितना झूठ मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसी तरीके से अब ये इन दोनों थोड़ा सा ज़्यादा, जब से ये 2020 में कोरोना का संक्रमण काल चला है तो इसके पीछे कहने वाले जो चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, वो ये भी कहते हैं, उनका मानना है कि ये जो डार्क फोर्स वाले लोग हैं जो दुनिया के राजाओं को माने राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्र नायकों को अपने नियंत्रण में करके अपने हिसाब से सरकारें चुनवाने में और गिरवाने में रोल अदा करते हैं, और WHO पर भी इनका नियंत्रण है, और वो सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, क्या नाम है उसका, बिल गेट्स टाइप के जो लोग हैं वो लोग भी इनके शिकंजे में हैं, क्योंकि वो भी जवान रहना चाहते हैं, वो भी बहुत और बहुत और बहुत हुकूमत करना चाहते हैं, सारे संसार के जितने भी राष्ट्र हैं उन पर अपनी होल्ड और नियंत्रण रखना चाहते हैं, ये इनकी महत्वाकांक्षा है। तो ये तंत्र ग्रुप से मिलकर के, ये तांत्रिक ग्रुप जो है सीक्रेट सोसाइटी, इससे जुड़ करके ये तंत्र के बल पर, पैसे के बल पर और लोगों के बल पर, मैंने ऐसा सुना है ये लोगों की, जो प्रधानमंत्री, जो किसी देश का राजा अगर इनकी बात को नहीं सुनता, मानता है, सहमत नहीं होता इनके विचार और नीतियों से, तो ये उसकी हत्या तक करा देते हैं। ये सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, ठीक है। अभी मेरा विश्लेषण शुरू होगा, चिंता ना करो, मज़ेदार विश्लेषण होगा। तो कहते हैं कि 2020 में जब कोरोना का स्टार्टिंग हुआ तो इसके पीछे भी डार्क फोर्स का हाथ सुना जाता है कि संसार में जब ज़्यादा बीमारी फैलेगी तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेडिकल लाइन की कंपनियां हैं, एलोपैथी की, उनकी कमाई ज़्यादा होगी और वो कमाई जाएगी बिल गेट्स जैसे बड़े पूंजीपतियों के लिए, धनपतियों के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना का इन्फेक्शन बर्ड फ्लू के माध्यम से, जीव जंतुओं के सड़ने से, गलने से, कटने से संक्रमण हुआ, वो चाइना में स्टार्ट हुआ। उसी बात को इन्होंने हवा बनाया, WHO की मोहर लगवाई, क्योंकि WHO में भी आदमी ही बैठे हैं ना, कोई देवता तो बैठे नहीं है। और राजपत्र, WHO का राजपत्र प्रसारित कराया कि इस बीमारी का संक्रमण बहुत सारे देशों में फैल चुका है, इटली में फैल चुका है, फलानी जगह फैल चुका है, इतने लोग मर चुके हैं, माने इस तरह का जो है ये प्रोपोगंडा। जबकि हर साल इटली में लोग मरते हैं सर्दी जुकाम बुखार से, 70,000 हर साल मरते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट है। तो अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, ये लोगों की जानकारी है। अब चलो, इसके पीछे लोग घबरा रहे हैं कि आगे चल करके ये जनसंख्या को कम कर देंगे, सबको मार देंगे, दवाइयों में मिश्रण कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसा ऐसा प्रचार में आ रहा है। कल ही खोज किया इस पे, मैंने मनन किया अपना भी बुद्धि विवेक से, फिर क्या हुआ, क्या यह सच है कि तंत्र के बल पर कोई ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तंत्र साधना के बल पर दूसरों की बुद्धियों को प्रभावित और प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा में, क्योंकि इस डार्क फोर्स के अलावा भी एक लाइट फोर्स भी है संसार में, हेलो, जिसे गॉड एनर्जी कहते हैं, जिसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं,
अगर ये तांत्रिक लोग ही सबको अपने तंत्र बल से मार देते तो फिर ये भगवान बन जाएंगे, ब्रह्मा बन जाएंगे, सृष्टा बन जाएंगे, प्रकृति का अतिक्रमण होगा, संहार करने में सक्षम अगर ये हो गए। और ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये सच है या झूठ है? ये कुछ भी नहीं है। अगर थोड़े अपने भारत के इतिहास को उठा के देखो, मैं इंडियन लोगों से बात कर रहा हूँ इस समय, और या जो मेरी हिंदी को समझते हैं विदेश में बैठे हुए लोग जो हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। भारत में रावण हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष हुए, ये बहुत बड़े तांत्रिक थे, तपस्वी भी थे। क्या ये सच है या नहीं बताइए? हिरण्यकश्यप ने कितने, जो प्रह्लाद के पिताजी थे, तपस्या किया था, तंत्र बल था, मंत्र बल था, लेकिन वो भगवान का विरोधी था, माने वो लाइट फोर्स का दुश्मन था, वो डार्क फोर्स की स्थापना करना चाहता था। जैसे शक्तिमान नाटक में देखा होगा किल्विस, वो कहता अंधेरा कायम रहे, अज्ञानता कायम रहे। डार्क फोर्स का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, डार्क फोर्स एक विचारधारा है जो दूसरे को बर्बाद करना चाहता है, अपने को अपना फायदा करना चाहता है, दूसरे के धन की हानि और अपना धनवान होना चाहता है, दूसरे के शरीर की हानि, ऐसी दवाइयाँ बनाओ दूसरे बर्बाद हों शरीर से और हम पहलवान बने, जो ऐसी विचारधारा रखता है वो डार्क फोर्स का सदस्य है। भले वो संस्था गुप्त है, माने हिडन है, या फिर वो ओपन है, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण ने तो इसके बारे में गीता में कहा है कि दो तरह की प्रकृति होती है, एक दैवीय प्रकृति या संपदा होती है, दूसरी संपदा होती है आसुरी संपदा। संपदा माने संपत्ति या गुण या वर्च्यू। तो कृष्ण ने तो ये पहले ही कह दिया कि प्रकृति के अंदर है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि वो साले जो है तंत्र बल के द्वारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ वो करेंगे उन्हें करने दो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम डर सकते हो या फिर उसके लिए रोकथाम करने के लिए अपनी लाइट फोर्स को बूस्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। भाई अंधेरे में डर लग रहा है तो उजाला कर दो, दिया सलाई जला दो, दीपक जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। तो संसार में अशिक्षा, अज्ञानता, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को ये लोग मरवा देते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के लिए, ऐसा सुनने में आया है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हठ योग, कुंडलनी योग या भगवान की भक्ति, जो भी कर सकते हो, लेकिन जो भी करो समर्पित होकर के करो, विश्वास के साथ करो, तभी वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जरूरी है सुनाना। दो लोग थे, एक तो अनपढ़ आदमी था, ध्यान देना मेरी बात पर, एक तो अनपढ़ आदमी था, वो भगवान की भक्ति करना नहीं जानता था, और वो भगवान ना वो अल्लाह की इबादत करना जानता था, वो केवल ये कहता था ऐ खुदा तू अपनी माँ बहन चुदा, उसके लिए वही मंत्र था, ऐ खुदा तू अपनी माँ बहन चुदा, माने वो यही मंत्र जपता था। और एक दूसरा बहुत बड़ा आलिम था, वो बड़ी बड़ी आयतें पढ़ता था, लेकिन जो ये पढ़ता था सच्चे मन से, कौन, कि ऐ खुदा तू अपनी माँ बहन चुदा, वो ये जपते जपते नदी पार कर देता था बिना किसी नौका के, किसी सहारे के, आंखें बंद होते थे वो, और इतना लीन हो जाता था कि ऐ खुदा तू अपनी माँ बहन चुदा, ऐ खुदा तू अपनी माँ बहन चुदा। और दूसरा जो था फकीर, वो बड़ी बड़ी आयतें पढ़ता था, 50 तरह की आयतें पढ़ता था, तो दोनों लोग नदी पार कर रहे थे, तो किसी ने, जो अनपढ़ था, जो खुदा को गाली देता था, वो तो पार हो गया, लेकिन जो आयत पढ़ता था, आयतें पढ़ता था कुरान के, जब वो कमर कमर पानी में, छाती छाती गले गले पानी में पहुंचा, तो उसके मन में ख्याल आया अभी यहाँ पर कौन सी आयत काम करेगी, हेलो कौन सी आयत का मैं जाप करूँ जो काम करेगी जिससे मैं डूबूँ नहीं, माने वो संशय में था, दुविधा में था, और वो आगे जाने पर डूब गया। यहाँ पर लॉजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लॉजिक ये है कि एक ही साधे सब साधे, अगर तुमने एक चीज़ को साध लिया, समर्पित हो गए अपने बताए हुए
गुरु की प्रक्रिया के प्रति, लेकिन वो प्रक्रिया सिद्ध होना चाहिए। गुरु का अगर कल्याण हुआ उस प्रक्रिया से, उस मानचित्र से, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और ऐसे मानचित्र के प्रति, ऐसे गुरु के प्रति समर्पित होकर के फॉलो करना चाहिए। इसे अंधविश्वास नहीं कहते हैं, इसे आत्मविश्वास समर्पण कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप योग साधना की ओर लौटिए, अपने को जानो, अपनी लाइट फोर्स को बूस्ट करिए, ताकि जो यूनिवर्सल फोर्स है, जिसको डिवाइन फोर्स भी कहते हैं, वैज्ञानिक लोग उसे वाइटल फोर्स भी कह सकते हैं, जब वो हमारे अंदर बूस्ट होगी तो रोग भी कम से कम हमारे शरीर पे हावी हो पाएंगे, हमारा दिमाग भी दुविधा में नहीं रहेगा, संशय में नहीं रहेगा, दिमाग के चिप्स, जो ब्रेन के चिप्स हैं, वो भी जो है खुलने लगेंगे योग साधना के द्वारा, जब आप एनर्जी अपनी बूस्ट करेंगे। तो फिर आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र का किया कराया नहीं टिकेगा, क्योंकि रावण भी तंत्र के बल पर, मंत्र के बल पर और तलवार के बल पर उसने राज्य किया। हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही करता था, जहां मंत्र नहीं चलता था, तंत्र नहीं चलता था, तो वो अपने हत्यारे भेजता था दूसरे का वध कराने के लिए, जो उसकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। उसकी विचारधारा क्या थी? अंधेरा कायम रहे, डार्क फोर्स की सत्ता बनी रहे, अपराध की सत्ता बनी रहे। तो ये साले जो संस्था चला रहे हैं डार्क फोर्स वाले, ये साले अनैतिक हैं, मानवता के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के प्रभाव से अगर बचना है, क्योंकि मैंने सुना है नरेंद्र मोदी जैसे, जो प्रधानमंत्री जैसे लोग हैं, वो भी इनके गुलाम बन चुके हैं। अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, ये केवल विचार और खोज का विषय है। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे पास जो आए हुए हैं ये वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसीलिए पिछले 2 साल से टच में थे, लेकिन हम तक पहुँच नहीं पा रहे थे। 2 साल में अब इनका नंबर आ पाया, परमात्मा ने अब मिला है पाया। हम तो कहते हैं, हम जैसे बदतमीज आदमी से जो ज्ञान मिल रहा है यूट्यूब में फ्री में, उसको लेते रहिए, अपना काम चलाते रहिए, हम तक पहुंचने के लिए तुम्हें बड़ा समर्पण, विश्वास और मूल्य चुकाना होगा, अन्यथा हमसे मीटिंग नहीं हो सकती और हमें बुलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों का डर निकले। तो रावण भी नहीं रहा, हिरण्यकश्यप भी नहीं रहा, तो ये साले जो है सीक्रेट सोसाइटी वाले कहाँ टिक पाएंगे? मैंने तो सुना है यज्ञ गुरु भी उसी का हिस्सा बन चुका है, गुलाम बन चुका है सीक्रेट सोसाइटी का। अब कितना सच है, कितना झूठ, भगवान जाने। लेकिन ये हर आदमी, ये बुरे लोग हैं, ये बुरी ताकतें हैं, इनसे अगर बचना है तो अपनी लाइट फोर्स को अपलिफ्ट करिए। ओम शांति, ओम क्रांति। डरो मत।